वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यू आर सिविल इंजीनियर। आज हम लोग शुरू करने जाएंगे, ये हमारा पहला लेक्चर होगा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पे लेके। और आप लोग बने रहिएगा इस चैप्टर से, क्योंकि इसी चैप्टर के बाद हम शुरू करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन एंड देन प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के बारे में। तो ये एक सिक्वेंस में हमारा चलते रहेगा और मेरा टारगेट है कि ज़्यादा नहीं 10 दिन के अंदर ये चैप्टर फुल्ली ख़त्म करने का, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट लाइन एंड प्लेन को। इसलिए अगर आप लोग नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को बता दें कि सारा यहां पर क्वेश्चन आप लोगों को करवाया जाएगा तीनों चैप्टर से रिलेटेड, जो आप लोगों के लिए सेमेस्टर 2 के लिए ग्राफिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा ये, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं, वहां से आपको समझाते हैं कि प्रोजेक्शन क्या होता है पहले, ठीक है। तो देखो, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, सिंपल सा बात को समझिए, इसमें हम सिर्फ एक पॉइंट को लेके रिलेटेड करेंगे कि उसका प्रोजेक्शन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो कहता है प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज नोन एज प्रोजेक्शन। क्या मतलब हो गया सर यहां इस लाइन का, क्या मतलब है? तो कहता है यहां पर हम एक फिगर बना रहे हैं, बात को समझना है बात को, ठीक है। हमारा ये एक प्लेन दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा एक कोई प्लेन है, इस प्लेन का नाम होता है हमारा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। इस प्लेन का क्या नाम है हमारा? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। इस लाइन को समझा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ फिगर को समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इस लाइन का नाम है प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। हमारा यहां पर क्या है, आइए मतलब हम यहां से इसको देख रहे हैं, ठीक है, हम यहां से इसको देख रहे हैं, ठीक है। यहां पर समझो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। कोई दिक्कत समझने में यहां तक? ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ इमेज। इस रिलेशन का बात कर रहे हैं इसका, ठीक है, ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ इमेज। उसके बाद प्रोजेक्टर, तो मतलब क्या हुआ, मतलब ध्यान से समझना इस बात को। जैसे कि मान के चलो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, आप लोग सामने से देख रहे हैं, तो आप हो गए ऑब्जर्वर। क्या हो गया? आप ऑब्जर्वर हो गए, आप जो देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, क्लियर है। ये जो हमारा व्हाइट बोर्ड है, ये हो गया हमारा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। अभी तक तीन चीज समझाए, ऑब्जर्वर समझ में आया मतलब आप खुद हो गए, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, ये पूरा व्हाइट बोर्ड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, ठीक है। इसका जो इमेज है, सामने से देखेंगे तो कुछ रे निकलेगा आपकी आई से, कुछ रे निकलता है, किरण निकलता है जो इनविजिबल होता है, लेकिन निकलता तो होगा,
समझ में आया बात को? वो रे निकला यहां पर पड़ा सामने से, यहां से आया यहां पर पड़ा, एक और आया लाइन यहां पर, फिर ये क्या जाएगा यहां पर इमेज बनेगा इसका। तो यहां पर जो इमेज बनेगा, ये जो इमेज बनेगा इसका, इसको कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ इमेज। ये व्हाइट बोर्ड क्या हो गया? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। आप क्या हो गए? ऑब्जर्वर। ये हो गया ऑब्जेक्ट। उसके बाद यहां से समझो बात को, देखने के बाद यहां से यहां तक के जो दूरी के बीच में रे रहेगा, किरण रहेगा, उस किरण को नाम बोला जाता है प्रोजेक्टर। उस किरण को क्या बोलते हैं? रे को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टर बोलते हैं। समझ में आया बात को यहां तक? तो ये सब चीज बेसिक था। तो कहता है प्रोजेक्शन ऑफ इमेज, ये प्रोजेक्शन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, इस प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पे जो होता है, इस सारे प्रोसेस को मिला के कहा जाता है प्रोजेक्शन। समझ में आया बात को? फिर से सुनना, प्रोजेक्शन ऑफ इमेज, ये प्रोजेक्शन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट टू द, कहां पर हुआ ये? इसी पूरा व्हाइट बोर्ड पे। इस व्हाइट बोर्ड को क्या बोले? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। और इसी पूरा प्रोसेस को, फुल प्रोसेस को बोला जाता है प्रोजेक्शन हमारा। बात को समझ में आया? एक सिंपल सा डिफिनेशन। तो इसके लिए क्या क्या चीज याद रखना है? पहला बात, प्रोजेक्शन ऑफ इमेज, ठीक है, किसका? तो ऑब्जेक्ट का। कहां पर? तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पे। इस तीनों डिफिनेशन को जब जोड़ेंगे, पूरा प्रोसेस को करेंगे, तब हम लोग बोलते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन होता है। क्लियर है समझने में? आप लोग जब प्रोजेक्टर देखते होंगे या फिल्म में देखते होंगे, तो क्या होता है कि रे निकलता है, वही हुआ प्रोजेक्शन होना। समझ में आया बात को? तो आई होपफुली ये डिफिनेशन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तब लिख लीजिए इसको जल्दी से। अब आता है कि ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट या तो पॉइंट हो सकता है, या लाइन हो सकता है, या प्लेन हो सकता है, या कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का बात कर सकते हैं, या बिल्डिंग कंपोनेंट का, मशीन का। तो बहुत सारा ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को। जैसे ये हो गया, ये हमारा सॉलिड हो गया, इसका भी प्रोजेक्शन कर सकते हैं, एक लाइन का भी प्रोजेक्शन कर सकते हैं, पॉइंट का तो करेंगे ही आज हम लोग। उसके बाद बिल्डिंग कंपोनेंट का, कोई भी बिल्डिंग का बनता है कि नहीं प्रोजेक्शन के द्वारा? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दिखाते हैं उसका, बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ते थे कि होता है कि नहीं पढ़ाई? मशीन का भी बनता है, जैसा कि फर्स्ट सेम में आप लोग पढ़े होंगे थ्री नट बोल्ट के कैसे बनाते हैं। तो ये सारा चीज को हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं, ठीक है? क्लियर है समझने में? अब ध्यान देना यहां से, एक सेकेंड, यहां पर आप लोग को दो चीज दिखाई दे रहा होगा। ये हो गया हमारा वीपी और ये हमारा होता है एचपी। क्या है वीपी, क्या है एचपी? आप लोग फर्स्ट सेम से पढ़े हुए होंगे, ये सब चीज आसानी से समझ रहे होंगे। वीपी कहते हैं वर्टिकल प्लेन को, क्या कहते हैं? वर्टिकल प्लेन को। एचपी कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन को। समझ में आया? वीपी कहते हैं वर्टिकल प्लेन को, एचपी कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन को, ठीक है? अब कहता है इस वीपी पे जो है, जो वर्टिकल प्लेन है, ठीक है, इसको माना जाता है कि ये वर्टिकली खड़ा रहता है। कैसे? जस्ट एग्जांपल के तौर पे अगर ले आप लोगों के लिए, ठीक है, तो कहां चल गया, चलो इस टाइप से। तो अगर आप लोग सामने से देख रहे हैं, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इस हिसाब से ही बना हुआ है, ठीक है?
तो ये इस हिसाब से अगर देखिएगा तो ये हमारा क्या हो गया वीपी और ये हमारा क्या हो गया एचपी यहाँ पर, समझ में आया। और माना जाता है कि ये जो वीपी है ये क्या होता है वर्टिकली खड़ा रहता है, समझ में आया। और इस पे एक और चीज माना जाता है कि इसी वीपी पे क्या बनता है हमारा फ्रंट व्यू बनता है, बात को समझ में आया बात को, इसी वीपी पे हमारा क्या बनता है फ्रंट व्यू बनता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बनाते हैं आपको, ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, समझना बात को, ये ऑब्जेक्ट मेरा सामने में रखा हुआ है। अगर आप सामने से देख रहे होंगे तो कहाँ इमेज बनेगा, यहाँ पर एक इमेज बनेगा, तो कहाँ पर सामने से देखे, सामने से देखने को क्या कहते हैं फ्रंट व्यू कहते हैं। फ्रंट व्यू देखे कहाँ पर बना, देखो तो वीपी पे बन रहा है, तो हमेशा समझ जाना कि फ्रंट व्यू जो है हमेशा वीपी पे ही बनेगा, क्लियर है समझने में। अब आते हैं एचपी, एचपी को क्या बोलते हैं हॉरिजेंटल प्लेन। तो एचपी में क्या कहता है हॉरिजेंटल प्लेन, ये जो है वीपी से हॉरिजेंटली रखा रहता है और वीपी और एचपी के बीच का एंगल जो होता है वो कितना डिग्री है, देखो तो ऐसे रखा हुआ है ना, इसको ऐसे देखो कितना एंगल बना रहा होगा इसके बीच में, अगर इसको देखेगा सामने से कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो याद रखना है वीपी और एचपी के बीच में इस हिसाब से रखना है हमको कि दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए एट द राइट एंगल, समझ में आया। वीपी के 90 डिग्री पे एक जो प्लेन होता है उस प्लेन को बोला जाता है हॉरिजेंटल प्लेन, ठीक है। हॉरिजेंटल प्लेन पे क्या होता है, समझो बात को, मान के चलो ये ऑब्जेक्ट हम रख दिए, चलो इसी तरह से समझो कि ये ऑब्जेक्ट हम रख दिए हैं, ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर से देख रहे हैं। आप कहां से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, बात को समझना। सामने से देखेगा तो इमेज यहां बनेगा, ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, समझो ऊपर से देखेंगे तो देखो तो ये स्क्वायर है, जब ऊपर से देखेंगे तो इसका इमेज कहां बनेगा, एक स्क्वायर बन जाएगा एचपी पे, ऊपर से देखेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा एचपी पे। तो मतलब क्या हुआ कि मतलब हॉरिजेंटल प्लेन पे क्या बनता है हमारा टॉप व्यू, क्लियर है समझने में। चलो अब यहां पर दो टर्म समझना, इस फ्रंट व्यू का एक और नाम होता है, इसको बोला जाता है एलिवेशन। इस टॉप व्यू का एक और नाम होता है, बोला जाता है प्लान, नाम याद रखना एलिवेशन और प्लान। एलिवेशन क्यों बोला गया, एलिवेशन मतलब क्या होता है हाइट होता है। तो फ्रंट व्यू से क्या चीज दिखाई देता, हाइट ही दिखाई देता है। अगर कोई बिल्डिंग को समझ जाओ, इमेजिन करो किसी बिल्डिंग के आगे में तुम खड़ा है और आगे से किसी बिल्डिंग को देख रहा है तो क्या नजर आएगा, हाइट ही नजर आएगा ना, तो इसलिए उसको बोला गया है फ्रंट व्यू से एलिवेशन, या उसको हाइट बोलो या उसको फ्रंट व्यू बोलो। टॉप व्यू को क्या बोलते हैं, प्लान बोलते हैं, समझ में आया बात को यहां तक। तो ये चीज था हमारा कुछ बेसिक, चलिए इसे आगे हम लोग पढ़ते हैं। आप ध्यान देना है बात को कुछ कुछ, सॉरी इसको क्या बोले थे वीपी, इसको बोले थे एचपी। वीपी और एचपी जो है जब दोनों को राइट एंगल पे मिलाते हैं तो एक लाइन आता है, कौन सा लाइन का बात कर रहे हैं हम लोग, तो ध्यान देना बात को, ये लाइन जो है इसको बोलते हैं रिफरेंस प्लेन। क्या बोलना है इसको, रिफरेंस प्लेन, ठीक है, समझ में आया बात को, रिफरेंस प्लेन या एक और नाम है कोऑर्डिनेट प्लेन, या एक और बोलते हैं ग्राउंड लाइन। क्या बोलते हैं, ग्राउंड लाइन। तो ये तीनों चीज इसके बारे में जानना है कि वीपी और एचपी जब दोनों इंटरसेक्ट करता है तो उस लाइन को क्या बोलते हैं, रिफरेंस प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन या ग्राउंड लाइन, ठीक है। और सॉरी यहां गलती बता दी आपको,
ठीक है, सॉरी, इस दोनों प्लेन को मिला के, एचपी और वीपी को दोनों को मिला के, ठीक है, एचपी और वीपी दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, उसके बारे में रेफरेंस लाइन बोलते हैं, उसके बारे में जस्ट अभी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, समझना, एचपी और वीपी दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, इसी प्रिंसिपल प्लेन को एक और नाम होता है रेफरेंस प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, यही तीनों दोनों होता है, समझ में आया बात को। एचपी और वीपी दोनों को मिला के कहा जाता है प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, प्रिंसिपल प्लेन को ही अलग नाम दिया गया रेफरेंस प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आपको हम बताते हैं आगे। क्लियर है यहां तक? हाँ, और इसका जो बात कर रहे थे ब्लैक वाला लाइन, इसको बोला जाता है रेफरेंस लाइन। ठीक है, दोनों जो इंटरसेक्ट करेगा उसको बोलेंगे रेफरेंस लाइन। अब ध्यान देना है बात को, ठीक है, एक और चीज बोलते हैं इसको एक्स वाई लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि यहां देखो, ये एचपी हो गया, ये वीपी हो गया, दोनों एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो तो बीच वाला लाइन, ये जो बीच वाला लाइन है ना, इसी लाइन को बोला जाता है रेफरेंस लाइन और एक्स वाई लाइन। ठीक है, अब ध्यान देना, हम लोग जो प्रोजेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, जो रेफरेंस प्लेन था एचपी और वीपी, उन दोनों को मिला के चार चीजों में बांटा गया है। एचपी और वीपी को चार चीजों में बांटा गया है। पहला है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये चार क्वाड्रेंट में इस लोगों को बांटा गया है। ठीक है, तो सभी को एक एक करके हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो चलिए हम लोग उसके बारे में सोचते हैं। फिगर को ध्यान से देखना है आप लोगों को, ठीक है, इस फिगर को आप लोग बना भी लेना है। ठीक है, क्लियर समझिए बात को। ये जो पोर्शन हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, इस बगल क्या हो गया सेकेंड, इस बगल थर्ड, और इस बगल हमारा फोर्थ हो गया। ठीक है, इस बगल क्या बोलेंगे, फर्स्ट, ठीक है, ये जो ब्लू वाला है इसको कहते हैं वीपी, ये हो गया एचपी। ठीक है, ये होता है वीपी, ये होता है हमारा एचपी, इस हिसाब से समझना है। ठीक है, वीपी एचपी, वीपी एचपी, तो देखो ये कैसे है, पहला क्वाड्रेंट इस हिसाब से है, ठीक है, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट ऐसे है, समझ में आया, देखो तो ऐसे रखा हुआ है ना, तीसरा क्वाड्रेंट इस हिसाब से है, ठीक है, एचपी इधर है, वीपी देखो नीचे है, चौथा क्वाड्रेंट फिर इस हिसाब से है, ठीक है,
एचपी इस बगल है, वीपी नीचे, ठीक है। ये चार क्वाड्रेंट हमारा बना हुआ है, ठीक है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में, तो हम यहाँ पर कुछ कुछ चीज लिखते हैं जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। और ये याद ही रखना है आपको पूरा हमेशा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है अबव एचपी, इन फ्रंट ऑफ वीपी। सारा चीज को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम बस थ्योरी पढ़ा रहे हैं, कैसे अबव एचपी होता है, कैसे इन फ्रंट ऑफ वीपी होता है, सारा चीज हम पढ़ाएंगे इसके बारे में। सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है अबव एचपी बिहाइंड वीपी, ठीक है। अबव एचपी एंड बिहाइंड वीपी, ठीक है। तीसरा में होता है बिलो एचपी बिहाइंड वीपी। चौथा में होता है बिलो एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, ठीक है। ये चार बात आपको याद रखना है, ठीक है। एक फॉर्मूला के तौर पे आप लोगों के लिए हो गया कि अबव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी फर्स्ट में, सेकेंड में याद रखना है अबव एचपी बिहाइंड वीपी, थर्ड में याद रखना है बिलो एचपी एंड बिहाइंड वीपी, फोर्थ में याद रखना है बिलो एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी। ये चार बात को जब याद रखिएगा, समझना अभी बाकी है, ये नहीं घबराना है कि सर नहीं समझ में आ रहा है। आप बने रहिए, हम आपको गारंटी देते हैं आपको लास्ट में इस लेक्चर का समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि कैसे इसको बनाया जाता है। तो हम जो बात को कुछ कुछ डिफिनेशन है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। क्या बोलना है उसको, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो बोलेंगे उसको सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड में होगा तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, फोर्थ में होगा तो फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। ये चार एंगल का प्रोजेक्शन हो गया। तो अब हम लोग पढ़ने जाएंगे कुछ फॉर्मूला, कुछ कन्वेंशन, कुछ क्या इसमें फॉलो करना है, पहले उसको जानते हैं। हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है, फोर्थ में क्या होता है। इसलिए अभी हम इस पर टाइम नहीं दे रहे हैं, पहले हम और सारा चीज थ्योरी चले जाएंगे, पढ़ लेंगे, तब एक एक करके तो इसको पढ़ना ही है, ठीक है। तो इसलिए घबराना नहीं, ठीक है। चलो हाँ, तो क्या क्या कन्वेंशन, क्या क्या हमको कन्वेंशन फॉलो करना है, कन्वेंशन मतलब हो गया क्या क्या इसमें एक रूल फॉलो करना है। पहला रूल देखो, पहला रूल, इसमें जो भी नंबरिंग करेंगे हम लोग, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मान के चलो, जैसे कि अभी हम बताए थे ये हमारा एचपी वीपी था, यहां पर ऑब्जेक्ट था, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को, ध्यान से सुनना बात को, कोई भी ऑब्जेक्ट को स्पेस में दिखाना है। स्पेस मतलब क्या हो गया, जब ये एचपी वीपी था, समझो बात को, जब ये एचपी वीपी था तो ये यहां है तो स्पेस में ही ना है, अगर यहां पर है तो स्पेस में है, ऊपर है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर स्पेस में होगा तो उसको कैपिटल लेटर से दिखाना है हमेशा। क्या लेटर से दिखाना है, कैपिटल लेटर से, ए से दिखाना है या कैपिटल बी से दिखाना है, इसको याद रखना है। उसके बाद टॉप व्यू में हमेशा स्मॉल लेटर यूज करना है, ठीक है, टॉप व्यू में हमेशा स्मॉल लेटर यूज करना है। तीसरा, फ्रंट व्यू में हमेशा यहां पर भी स्मॉल लेटर यूज करना है, लेकिन यहां किसके साथ, डैश के साथ। समझ में आया बात को, क्योंकि हमको पता है फ्रंट व्यू में क्या होता है, डैश का यूज किया जाता है, ठीक है। टॉप व्यू में क्या यूज करना है, स्मॉल लेटर यूज करना है, लेकिन विदाउट डैश के साथ, ठीक है। ये पता चल नहीं होता, ये सब क्यों पता चलता है, कि कोई भी आकर कोऑर्डिनेटर या एग्जाम जो लेते हैं, अगर वो कॉपी चेक करेंगे तो ए डैश लिखा रहेगा तो समझ जाएगा वो फ्रंट व्यू है, ए रहेगा तो वो समझ जाएगा टॉप व्यू है। उसके बाद साइड व्यू, साइड व्यू में हमेशा डबल डैश लगाना है। एक साइड व्यू भी आता है, समझाएंगे इसके बारे में भी,
तो जब भी साइड व्यू बनाएंगे तो क्या लगाना है, देखो यहाँ पर सभी में हम स्मॉल ही लिख रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर जब स्पेस का होगा बात तब कैपिटल ए देना है, इस बात को ध्यान देना है। जब हम लोग प्रोजेक्शन करेंगे, मान के चलो हम प्रोजेक्शन किए, यहाँ पर आया ए, यहाँ आया ए डैश, यहाँ ए, तो ऐसा गलती नहीं कर देना है कि यहाँ लिख देना है ए, यहाँ लिख देना है ए डैश कैपिटल में, कैपिटल में नहीं लिखना है। गलती समझ में आ रहा है कि कहाँ हो सकता है गलती, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रंट व्यू में ए डैश, साइड व्यू में ए डबल डैश, ठीक है। चलो ये चार बात को ध्यान रखना है, और ये तो दो बात और है कि लिखा हुआ है कि टॉप व्यू को प्लान करते हैं, फ्रंट व्यू को एलिवेशन करते हैं, ये तो बता ही दिए, तो इसके बारे में जानना जरूरी नहीं आगे, ठीक है। तो चलो, जैसा कि हम बता रहे थे कि इसमें कंडीशन आपको बताना था कि फ्रंट व्यू में क्या होगा, टॉप व्यू में क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब हम लोग बात करने जाएंगे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो मतलब लिखो हेडिंग है हमारा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, कि कोई भी प्रोजेक्शन हम लोग कैसे करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो उसके बारे में नियम है, तो चलो एक एक करके देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो चलो कैसे करना है सोचना तो पड़ेगा। तो चलो अभी हमारा जो है, पहले इमेजिन करो फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसा होता है। ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हुआ है, समझना बात को, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हुआ है, ठीक है। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में इमेजिन करो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, अबव एचपी ऊपर कर दिए, समझ में आया। और देखो यहाँ इन फ्रंट ऑफ वीपी, अगर ये इस पे रहता तो इसको क्या बोलते, ऑन द एचपी, समझ में आया बात को, अगर इस पे रहता तो क्या बोलते, ऑन द वीपी, क्लियर है समझने में। अगर किसी प्लेन पे से रखा हुआ रहेगा तो इसको बोलेंगे ऑन द एचपी, ऑन द वीपी, पहले ही तो क्लियर हुआ दो बात पे, ठीक है। अगर मेरा ये इसके ऊपर जाएगा तो क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलना है इसको, अबव एचपी। अगर इससे कुछ आगे आएगा तो क्या बोलना है इसको, इन फ्रंट ऑफ वीपी। और आप लोगों को पता होगा, समझना बात को एक और चीज, यहां से ये जितना ऊपर जाएंगे, ठीक है, ये जितना ऊपर जाएंगे, अब इमेजिन करो यहां से हम इसको क्या किए, इस हिसाब से था हमारा, इसको रोटेट करा के ऐसे किए, ठीक है, समझो बात। ये जितना ऊपर जाएंगे अभी यहां पर है, ठीक है, तो इसका इमेज कहां बनेगा, इसी पॉइंट पे बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इस पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर गए, ठीक है, तो अब इमेज देखो कहां बनेगा, यहां पर बनेगा। मतलब क्या हुआ, अगर जब हमारा एचपी पे रखा हुआ था तो वीपी से भी लाइन पे बना, वीपी का कहां, इसी पॉइंट पे बना, एक्स वाई लाइन पे। लेकिन जब हम इससे ऊपर गए तो क्या हुआ, वीपी पे भी ऊपर हो गया। तो मतलब क्या हुआ, मतलब यही हुआ कि अगर हम लोग एचपी से अबव जाएंगे, अगर हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा एचपी से अबव जाओ तो क्या होगा हमारा, तब क्या होगा, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको आंसर में वीपी पे दिखाना पड़ेगा, आंसर में वीपी पे दिखाना पड़ेगा ऊपर। अगर तुमको क्वेश्चन में बोलेगा 30 एमएम अबव एचपी तो आपको आंसर में वीपी पे 30 एमएम ऊपर करना पड़ेगा, बात को क्लियर हुआ समझने में, कहां पर करना पड़ेगा वीपी पे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार समझो बात को, अभी ये देखो कहां पर सता हुआ है, वीपी पे सता हुआ है, देखो वीपी पे सता हुआ है कि नहीं, ये ध्यान दो बात को, वीपी पे सता हुआ है पूरा। तो अगर अभी आप ऊपर से देखेंगे, कहां से देख रहे हैं, टॉप व्यू से देख रहे हैं, टॉप व्यू से देखेंगे तो इसका इमेज कहां बनेगा, देखो तो इसी लाइन पे बनेगा, एक्स वाई लाइन पे सता हुआ। लेकिन
अगर आप लोग क्या करो वीपी से आगे आ जाओ, देखो हम लोग यहाँ ध्यान देना बात को, वीपी है हमारा, अभी ये वीपी से सटा हुआ है, इस वीपी से आगे आए, आगे आ गए तो क्या होगा, ये ऊपर से देखो आप जब ऊपर से देखेंगे तो एचपी पे क्या यहाँ पर बनेगा, एचपी का यहीं पर कि यहाँ पर बनेगा, इतना दूर के बाद बनेगा। तो ये जो दूरी हो गया, ये जो दूरी हो गया, समझो बात को, ये जो दूरी हो गया यही होता है इन फ्रंट ऑफ वीपी। अगर हम यहाँ पर हैं, इसको बोलेंगे ये मेरा हाथ जो है यहाँ पर है, तो बोलेंगे ऑन द या इन द वीपी, मतलब वीपी पे है। लेकिन इससे अगर हम 10 कदम आगे आए, मतलब 10 हाथ आगे आए, तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी हो गया यही दूरी को बोला जाता है इन फ्रंट ऑफ वीपी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग को अगर बोला जाए 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, तो आंसर में जो है, आंसर में क्या करना है आपको, क्या करेंगे आंसर में, एचपी पे दिखाएंगे 30 mm। ये क्वेश्चन हो गया, ये आंसर दिखाना है, ठीक है। तो एचपी पे हम लोग 30 mm दिखाएंगे। तो मतलब क्या हुआ, वीपी से मतलब एचपी से जब ऊपर जाना है, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, तो आंसर कहां बनेगा इसका, वीपी पे। अगर वीपी से इनफ्रंट बोलेगा, ध्यान देना, वीपी से इनफ्रंट बोलेगा वो, तो आंसर कहां जाएगा, एचपी पे उल्टा जाएगा, ये फर्स्ट एंगल में होगा, ठीक है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का यही नियम है, ठीक है। अब बात को समझो कैसे है, समझना बात को, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं एक, मेरा एक ही मोटिव है आप लोगों को प्रैक्टिकली समझाने का, ठीक है, कि प्रैक्टिकली आप लोग क्या कीजिएगा, रूम में भी इसी तरह कॉपी कुछ बना लीजिएगा, ठीक है। ड्राइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ का ग्राफिक जो है, अगर आप इस चैप्टर को प्रैक्टिकली अगर समझते हुए चलिएगा तो इतना मजा आएगा कि आप लोग को कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से सुनो, इमेजिन करो ये हमारा एक कोई पॉइंट है, क्या है हमारा एक पॉइंट है, कहाँ पर रखा हुआ है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे। देखो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ऐसे ही ना है, चलो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में इस पॉइंट पे रखा हुआ है, ठीक है। यहां से 30 mm ऊपर, तो देखो अभी कहाँ पर रखा हुआ है, ये एचपी पे रखा हुआ है, तो हम लोग क्या करें एचपी से ऊपर कर दिए, कितना 30 mm, ये एचपी है हमारा, ये वीपी है, एचपी से 30 mm ऊपर कर दिए और वीपी से 40 mm, वीपी से क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ, 30 mm एवव एचपी, 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी है, ठीक है, दो बात लिखा हुआ। तो इससे कितना ऊपर है, ये 30 mm, इससे कितना आगे है 40 mm। तो समझो बात को, ठीक है, ये अभी ऐसे ही रखा हुआ है, हम आपको बताएंगे कि अंतिम में क्या किया जाता है, ठीक है, इसलिए पहले हम समझाने के लिए इसको रोटेट करा रहे हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। इससे ये कितना दूर है 30, तो इससे अभी अगर आप सामने से देखेंगे, अभी समझना बात को, अगर आप सामने से देखेंगे तो इसका इमेज कहाँ जाएगा, इसी पॉइंट पे जाएगा। देखो तो अभी जब ऑन द एचपी था तो इमेज कहाँ गया, एक्स वाई लाइन पे ही चले गया, लेकिन जब इससे 30 mm ऊपर चले गए तो अब इमेज कहाँ जाएगा, इस पॉइंट पे। तो ये जो हाइट होगा, ये हाइट क्या है, 30 mm ही होगा। तो मतलब पहले जो बताए थे एचपी से जब हम अबव जाएंगे तो कहाँ दिखाएंगे, वीपी पे, तो क्या हुआ हमारा, तो ये 30 mm कहाँ दिखाई दे रहा है, वीपी पे, याद रखना 30 mm कहाँ दिखाई दिया, वीपी पे। अब ध्यान दो, अभी ये हमारा ऑब्जेक्ट वीपी से देखो सटा हुआ है, वीपी से नहीं सटा हुआ है, अगर अभी आप ऊपर से देखेंगे तो पॉइंट यही बन जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या है 40 mm, तो क्या किए हम इस वीपी से 40 mm आगे आ गए, देखो हम 40 mm आए, आगे आए वीपी से। अब जब ऊपर से देखिएगा तो ये 40 यहाँ पर बनेगा और ये डिस्टेंस हमारा कितना होगा, 40 के लगभग में होगा।
तो ये डिस्टेंस 40 क्या है, इन्फ्रंट ऑफ वीपी बना कहाँ, एचपी पे, मतलब इन्फ्रंट ऑफ वीपी कहाँ बना, एचपी पे। ध्यान से समझना हम बात को, मतलब क्या हुआ, यहां पर एक लाइन बना 30 पे, ठीक है, एक बना था हमारा यहां पर 40 पे, ये डिस्टेंस कितना था 40 था, इसी हिसाब से नहीं था, ध्यान से समझो, एक ऑब्जेक्ट यहां था 30 एमएम तो यहां पर इमेज बना, और एक यहां था तो ऊपर से देखने पे यहां पर बना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमारा ऐसे एक्चुअली में रखा हुआ है, देख कहां से रहा था, देखो एक्चुअल में जब इस हिसाब से रखा रहता है हमारा, ठीक है, इस हिसाब से रखा हुआ रहेगा, तो देखते हम लोग यहां से हैं, इस पोजीशन से देखते हैं, देखो हम कहां पर हैं, ठीक है, अभी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, यहां पर से देखे हम लोग, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा कहां था, यहां पर था, ठीक है, तो हम यहां से देखे यहां पर बना, ऊपर से देखे तो यहां पर बना, ठीक है। अब क्या करना है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत समझने में, ये हमारा एचपी को क्या कराना है, अब रोटेट कराना है, ये बात को समझना जरूरी है, इस एचपी को क्या करो, रोटेट करा दो, कैसे कराना है, क्लॉकवाइज, कैसे कराना है, क्लॉकवाइज, जैसे आपका क्लॉक घंटा घूमता है, तो घंटा कैसे घूमता है, ऐसे ही ना, 12, 3, 6 ऐसे ही ना घूमता है, ठीक है, तो इसी को क्या कराना है, क्लॉकवाइज रोटेट करा दो, क्लॉकवाइज, अभी देखो ऐसे ही है फर्स्ट एंगल, इसको क्लॉकवाइज रोटेट करा दी यहां तक, अब क्या बन गया, ये इस टाइप से बन गया, सिंपल सा एक प्लेन, ऐसे देखो यहां से ये ऐसे था, इसको रोटेट करा के क्या बना दी, ऐसे। अब क्या करो, इसको इस तरीका से ओपन कर दो, देखो यहां से कैसे किए, इस तरीका से इसको ओपन कर दिए, तो अब हमारा क्या बन गया, बीच में एक्स वाई लाइन, समझाएं इसको, इसको रख कर, तो बीच में क्या बना हमारा, एक्स वाई लाइन बना, ठीक है, एक्स वाई लाइन के ऊपर में, इस पॉइंट से ऊपर में क्या बना, ये दूरी, तीस एमएम पे क्या बना हमारा, फ्रंट व्यू, क्योंकि हमारा ये क्या होता है, वीपी होता है, और ये हमारा एचपी होता है, होता है कि नहीं, वीपी एचपी, तो यहां पर हमारा वीपी पे हमेशा क्या जाता है, फ्रंट व्यू जाता है, और एचपी पे हमारा टॉप व्यू जाता है, याद रहेगा इससे बात, तो इसको लिखना है वीपी, यहां लिखना है एचपी, और वीपी पे हमारा क्या था 30 एमएम, और एचपी पे हमारा क्या था 40, और यहां क्या देंगे, ए देंगे सिर्फ, बात को समझ में आया, ए क्यों देंगे, क्योंकि ये हमारा टॉप व्यू है, एचपी पे टॉप, यहां फ्रंट, समझ में आया बात को, कोई दिक्कत समझने में यहां तक, होपफुली अच्छे से, जब प्रैक्टिकली आप घर में जैसे हम ये बनाए हैं ना, तो वैसे एक पेपर बनाइएगा, बना सकते हैं, और सोचिएगा पहले, जब आप सोचना शुरू कर दीजिएगा, आप लोग का तो बहुत का सिविल होगा, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सोचना पड़ेगा, इमेजिन करते चलिए, बहुत चीज इंजीनियरिंग में फायदा होगा आप लोगों को, ठीक है, समझ में आया यहां तक, अब ध्यान देना बात को, तो मतलब क्या हुआ, यहां से एक कंक्लूजन निकला, क्या कंक्लूजन निकला, एचपी में क्या कंक्लूजन निकला बताते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू कहां बनता है, वीपी पे बनता है, समझ में आया बात को, फ्रंट व्यू कहां बनेगा, वीपी पे बनेगा, वीपी पे तो बनता ही है, देन कहां पर, अबव एक्स वाई, कहां पर बना है, देखो तो एक्स वाई लाइन के ऊपर बना है ना हमारा, ये याद रखना है, आप लोग को तो इस बार ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, लेकिन कंपटीशन तो आज ना कल तो दीजिएगा ही आप लोग, कंपटीशन में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, ठीक है, इस कारण आपको अच्छे से समझाने का कोशिश कर रहे हैं, फ्रंट व्यू देख रहे हैं वीपी पे बना है,
कहां पर बना है? एफ ऑफ एक्स वाई बना है। दूसरा कंडीशन, टॉप व्यू जो है, हमारा जो टॉप व्यू होता है वो कहां बनता है? एचपी पे बनता है। ये हमारा टॉप व्यू कहां बना? एचपी पे बना। उसके बाद कहां पर बना ये? तो बिलो एक्स वाई, एक्स वाई के नीचे बन रहा है हमारा। तो ये जो फॉर्मूला है, अगर आप लोग को ये याद रहेगा तो एग्जाम में बनाने में बहुत ही आसानी होगा, क्योंकि एग्जाम में तो इतना सब चीज लेके नहीं ना सोचिएगा आप, यहां ना हम सोच रहे हैं, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा, ये सब याद रखने से आपको बनाना आसान हो जाएगा। समझ में आया बात को यहां तक? तो आज का लेक्चर जो था हमारा वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे ही था। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन पे भी इसी तरह से समझाएंगे, थर्ड और फोर्थ, देन हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है? तो आई होपली आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा, घर पे इसको इमेजिन कीजिएगा, जहां भी दिक्कत होगा मेरा व्हाट्सएप नंबर है ही, ठीक है? तो वहां पर आप लोग मैसेज करके बताइएगा कि कहां दिक्कत है, तो बता देंगे आप लोगों को। तब तक के लिए थैंक यू सिविल इंजीनियर की तरफ से एंड फ्रॉम द टीम ऑफ माई टेक्निकल क्लासेस भागलपुर।